Tongko Shantana Lukurov Musa Zalok Layati, Lino Kolok Mabu Sayati, Bubagrafor, Aguni Motorstin Amsoyo, Sansalo Adanisha, Fiori Zaka, Kudal Adar Shantar, Fiori Castle, Tempangorfa, Yopio Bordo, Logu Majaka, UDI, Tang Fangra, Fidaraswi Asalo, Kudal Adar Shantar, Fiori Castle, Tempangorfa, Kudal Shantar, Fiozama by Tabo, Shotan Bokostifa, Havanogo Tangi, Lukurov, Lang Kolokati, Busan Nanglaka. Kedal Chandra, Kaiburi Machine Tepazaka, Abuli Bogino, Debo Daki Dantike, Shamon Nai, Lurishi Borobanghake, Debo Machine Tepazaka, Nivo Hogrika, Shaltan Hangorfa. एक्चुअली आज यहाँ पे UADI के तरफ से रीजनल ऑफिस से एक्चुअली मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने इनवाइट किया था जस्टिस को इनॉग्रेट करने के लिए। तो ये UADI के तरफ से डायरेक्टली ऑपरेट करने वाला ये आधार सेवा केंद्र खुला गया है यहाँ पे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगी लोगों को। हम देखते हैं कि हमारे जो SDM ऑफिसेज में जहाँ पे भी है, डिफरेंट ऑफिसेज में जहाँ पे भी है, वहाँ कितना डिमांड रहता है। सिर्फ नया आधार का ही नहीं, बट आधार में अपडेशन के लिए भी काफ़ी डिमांड रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले 4 मशीन्स लगाए हैं और इनका प्लान है फर्दर एक्सपांड करने का। इसका मतलब फिर अगर एक्स्ट्रा स्पेस उनको यहाँ पे मिल जाए तो वो फिर नंबर ऑफ जो मशीन है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है UADI के तरफ से। तो UADI के रीजनल ऑफिसर यहाँ पे हैं, वो डायरेक्टली इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और एक अच्छा सा फैसिलिटी क्रिएट किया गया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे, और आप लोगों को भी जो आप यहाँ पे आए हैं कवर कर रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चले कि मतलब यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र है जिसमें ये सब बेनिफिट दिया जाएगा लोगों को। अल्टीमेटली लोगों के बेनिफिट के लिए ये स्टेप, ये कदम उठाया गया है, और मुझे आशा है और उम्मीद है कि लोग इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू। हम लोग क्या कैंप बेस्ड मोड पे करते हैं, जहाँ पे भी मतलब आधार बेस्ड कैंप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप के साथ हम लोग क्लब कर देते हैं आधार कैंप को भी। तो ये मतलब गांव में हम लोग का जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप होता है तो उसके साथ हम लोग क्लब करते हैं। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया में बहुत कम कवरेज है, तो हम लोग स्पेशल आधार कैंप भी लगाते हैं, जहाँ दूसरे ब्लॉक से ऑपरेटर भी कभी कभी ज़रूरत होता है तो मोबिलाइज करके